आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद से फिर से कहीं घूमने चले गए, या फोन पे बात कर रहे हैं, या फोन पे गेम खेल रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखिए। और मेरा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है सर कि बच्चों को एकदम से ऐसे बांध के नहीं रखना है कि वो पढ़ाई कर रहा था फिर आधे घंटे के लिए बैठा तो आप टोकते लगे उसको, रहे तुम टाइम वेस्ट करना, चलो पढ़ो। उसको 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, लेकिन उसके बाद उसको पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है। वो पढ़ाई के लिए वो बैठे, मोबाइल वगैरह जरा दूर रहे, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल फोन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अरे यार ये सब बकवास मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि थ्रू आउट प्रैक्टिस करना है, अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करिए, फिर बहुत टफ क्वेश्चन करिए, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करिए, आपको बिल्कुल बनेगा। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम कर नहीं सकते यार, तो पढ़ाई करो ना, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। और किसका भी मार्क्स देख, 2 लोगों का मार्क्स आया है, बाकी का मार्क्स नहीं आया है, मैं फोन करने वाला हूँ सबको, ठीक है। तो ध्यान रहने रहे कि अभी पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है। अगले संडे तुम्हारा जो टेस्ट है वो किस पर है, तो नेक्स्ट तुम्हारा है ट्रांसफर ऑफ यूट, तो अगले संडे ट्रांसफर ऑफ यूट पे टेस्ट है, तो पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जैसे हम मान लीजिए इक्विलिब्रियम से ही क्लियर है, मान लीजिए कोई सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम कौन है, बी है, ये मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, हीट फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो हीट फ्लो होने लग जाएगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहाँ पे आया, 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब हीट फ्लो होना बंद हो गया, तो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, समझे। तो अगर दो सिस्टम है, दो सिस्टम के बीच अगर हीट फ्लो जीरो है, हीट उनके बीच फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो किस में कहलाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। आइए अब देखिए जीरोथ ला ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो क्लास थर्मोडायनामिक्स हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास सिस्टम ए है और एक सिस्टम ये बी है और तीसरा सिस्टम क्या है, सी है। ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इनके बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, और बी और सी इंडिविजुअली ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहां भी हीट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर दो सिस्टम ए और बी, बी और सी अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए और सी भी आपके पास क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फ्रॉम द लॉ, इफ ए बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी आर also in thermal equilibrium। तो यहां पर क्या किए है बच्चों, यहां पे कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन हुआ है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम कंपैरिजन बोलेंगे, ठीक है। जो मेजरमेंट टर्म है वो एक तरह से कंपैरिजन ही है। जब दुनिया में मीटर नहीं रहा होगा या किलोग्राम नहीं रहा होगा, जैसे मीटर नहीं है, किसकी हाइट मेजर करना है, तो गांव में जो सबसे लंबा हाइट वाला आदमी है उसके पास में खड़े कर दिया, बोल दिया बताओ तुम्हारी हाइट कितनी, बोले इसके कंधे तक इसकी हाइट, इसके कान तक इसकी हाइट, या इसके बराबर इसकी हाइट, तो ये क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जो मीटर स्केल होता है ना, मीटर स्केल से हम लोग कंपेयर ही करते हैं ना, तो मेजरमेंट क्या है, कंपेरिजन है। तो आपके पास एक नोट यहां लिखेंगे, नोट क्या है, नोट लिखेंगे, प्रिंसिपल
वर्किंग बिहाइंड थर्मोमीटर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझे, थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है थर्मामीटर। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है? इट स्टेट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। आइए चेक करते हैं। इफ सम हीट इज गिवन टू अ सिस्टम देन दिस हीट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। ठीक है, पहला टू वर्क डन एंड दूसरा टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो आइए जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये मान लीजिए सिस्टम है, इसको हमने क्यू हीट दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, वर्क करेगा और इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, ऐसा भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए बहुत कम हीट आप दे रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखते हैं इसको, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, स्टेट फॉर्मेट ऑफ एफ एल टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मान लीजिए एक स्टेट है, यहां पर स्टेट वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, और दूसरा स्टेट है आपके पास प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो मैंने इसको हीट दिया, क्यू दिया, इसने कुछ वर्क कर दिया और इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया डेल्टा यू। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डब्लू। तो दिस इज द स्टेट फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक सी चीज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ाने वाले, तो एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक सी चीज समझेंगे, आप ऐसे बैठ के रीड भी मार लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं बोल रहा हूँ तो ही समझ में आ जाएगा, तो एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिंपल सा पढ़ना है। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। लिखिए पैरामीटर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या क्या है? पहला है हीट, दूसरा है वर्क डन, ये हो सकता है ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ठीक है, एंड थर्ड है आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या बोला है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या क्या होता है,
क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, तो ये क्या है पैरामीटर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पूरे थर्मोडायनामिक्स में चीजें यही घूमती रहेंगी। हमको इंटरनल एनर्जी में कभी चेंज निकालना होगा तो कभी वर्क डन निकालना होगा, कभी हीट निकालना होगा, कभी प्रेशर के टर्म कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना होगा, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना होगा, ये सारी कहानी हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग स्पेसिफिक हीट पढ़ चुके हैं, याद करो तुम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट कहाँ पे, कैलोरीमेट्री में। ठीक है, थर्मल फिर मोलर स्पेसिफिक हीट तुमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, केटीजी में पढ़ा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या होता था, एस होता था। वो क्या होता था कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम मैटर या 1 ग्राम लिक्विड या 1 ग्राम सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसको जूल पर किलोग्राम कैलोरी भी लिखते थे, याद है। फिर उसके बाद आया था मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि हम लोग गैसेस के लिए लिखते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता था, हम लोग गैस के लिए बात करेंगे ठीक है। आइए बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले हीट पढ़ते हैं। ठीक, तो हीट यहां पर जब हम लोग लिखते हैं तो हीट लिखते हैं तो हमको स्पेसिफिक हीट चाहिए होता था, है ना, चाहिए होता था, क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए क्या होता था स्पेसिफिक हीट, एस। एस क्या होता था, मैं अभी लिखा नहीं रहा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सॉलिड और लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर मान लीजिए m किलोग्राम है तो q बराबर क्या लिखता था, ms डेल्टा t लिखता था, या dq बराबर क्या लिखेगा, ms dt लिखेगा। लेकिन हम लोग जो थर्मोडायनामिक क्या है, गैसियस फॉर्मेट में पढ़ रहे, गैस के लिए पढ़ रहे, तो हम लोग यहाँ पर s यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वे, मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता था, आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट होता था बच्चों सी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो यूनिट होता था ये कितना होता था, जूल पर मोल केल्विन, यही होता था ना सी। तो हमारे पास जब सी मोलर स्पेसिफिक हीट है तो गैस का हीट क्या लिखोगे, एन सी डेल्टा टी, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, या डी क्यू बराबर एन सी डी टी। अरे हाँ के ना, समझे, ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म में आपके पास हीट कैसे लिखोगे, एन सी डी टी या एन सी डेल्टा टी लिखोगे अगर आपके पास टेम्परेचर है तो। अगर ये केवल तब होगा इफ सी इज कॉन्स्टेंट, अगर सी कॉन्स्टेंट है तो ऐसा लिखेगा, अगर सी वेरिएबल है तो। अब आप देख लेते थोड़ा सा आगे, तो अगर आपके पास सी वेरिएबल है तो सी वेरिएबल है तो यहां लिखेगा इफ सी इज वेरिएबल, तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेगा, एन सी डी टी। तो इंटीग्रल डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल एन सी डी टी, टी वन से मान लीजिए टी टू टेम्परेचर है तो डी क्यू का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन सी टी टू माइनस टी वन। तो जब आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल रहेगा तो हीट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो हमको हीट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना नहीं पड़ेगा डायरेक्टली, यानी एन सी इंटू डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं ये। तो पहला हमारे पास थर्मोडायनामिक पैरामीटर क्या था बेटा, हीट था, तो हीट हमने लिख दिया है। तो गैस के लिए हीट हम लिखेंगे एन सी डेल्टा टी, या डी क्यू बराबर लिखेंगे एन सी डी टी, या क्यू बराबर एन सी टी टू माइनस टी वन, समझे। अब आइए बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन है ना, वर्क डन की बात करते हैं। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन के लिए क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लेता हूँ और उसमें गैस भर देता हूँ, भर दो गैस, ठीक है, आइए गैस भर देते हैं।
तो जब हम लोग यहाँ पे गैस भरते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक पिस्टन है यहाँ पे ऐसा, और ये क्या है, पिस्टन है, तो पिस्टन पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पे आग लगा दिया, क्या किया, आग लगा दिया, आग लगा दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। आग लगाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो मान लो कि इसका एरिया कितना है, एस है, तो ये पिस्टन मान लीजिए खिसक गया, पिस्टन क्या हुआ, ऊपर खिसक गया। ऊपर कितना खिसक गया सर, मान लीजिए कि ये डीएक्स डिस्टेंस खिसक गया। जब डीएक्स डिस्टेंस खिसक गया तो ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर वर्क कर रहा है, तो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ा है, एक्सपैंड हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा पी इंटू डीवी बराबर डीडब्ल्यू, तो डीडब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी इंटू डीवी, ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो लेंथ कितनी है, डीएक्स है, एरिया कितना था, एस था, तो लेंथ इंटू एरिया क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपको मिला है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एस इंटू डीएक्स, ये क्या है आपका वॉल्यूम। तो डीडब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बाबू, डीडब्ल्यू बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू डीवी, तो प्रेशर इंटू डीवी, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है इसलिए पी डीवी लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आइए एक चीज और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया है, आइए वर्क डन पढ़ रहे थे, डब्ल्यू इक्वल टू कितना था, ई डीवी मिला था, ठीक है, फ्रॉम गैस लॉ, ठीक है। तो गैस लॉ क्या बोलता है बच्चों, बोलता है PB इक्वल टू nRT, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो जाएगा PdV और प्लस VdP इक्वल टू nRdT, इसको हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस लॉ। यहां पर इफ P इज कांस्टेंट तो dP बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ P इज कांस्टेंट तो dP इक्वल टू जीरो, तो ये वाली टर्म का है, तो PdV बराबर कितना हो जाएगा, nRdT, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं सर dW इक्वल टू PdV इक्वल टू nRdT, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वर्क को क्या लिख सकते हैं, आइए वर्क और हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिखाते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा है, T1 से T2 तक बढ़ गया, तो dW बराबर लिख सकता है nRdT और T1 से T2 इंटीग्रल W, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT2 माइनस T1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते, ठीक है। चलिए आई होप आपको हीट और वर्क थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है, ठीक है। अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस में ये अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग फंडामेंटली पढ़ लें इसको, ठीक, और थोड़े क्वेश्चन करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। आइए तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी इंटरनल एनर्जी की, आइए थर्ड नंबर अपने पास था कितना, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज कितना था, हम लोग पढ़े थे 3 बाई 2 के टी एनर्जी पढ़े थे क्या, वही आपका इंटरनल एनर्जी है। तो चेंज कैसे लिखना है वो देख लेते हैं, तो सर हमने पढ़ा था अभी केटीजी में कितना, एफ बाई 2 के टी, और इसी को लिखते हैं एफ बाई 2 एनआरडी फॉर एन मोल, लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बाई 2 एनआरडी, तो डी यू बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ बाई 2 एनआरडीटी, बहुत बढ़िया सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था, 3, तो डी यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 2 एन आर डी टी। फॉर डाई एटॉमिक गैस मोनो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था, एफ इक्वल टू 5, तो डी यू बराबर डाई एटॉमिक के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 बाई 2 एन आर डी टी।
फिर पॉलीटॉमिक के लिए ऐसे जैसे जैसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते चले जाएंगे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में किसी क्वेश्चन में हमको ऐसा मिलता है तो हम वहां यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आइए, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल लिया, हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास कितना हो गया, du बराबर f by 2 nr dt। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें तो du बराबर डेल्टा u बराबर f by 2 nr dt, और t1 से कितना t2, तो हम लोग डेल्टा u बराबर लिख सकते हैं f by 2 r, यहाँ लिख दे n r, और ये जाएगा t2 minus t1, या डेल्टा u बराबर f by 2 n, n नंबर ऑफ मोल, और ये r हो जाएगा, और ये कितना जाएगा डेल्टा t। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज हम लोग लिखेंगे f by 2 nr डेल्टा t, ठीक है। आइए, तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, हीट पढ़ लिया है, वर्क डन पढ़ लिया है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी पढ़ लिया है। अब आइए इसको कैसे लिख सकते हैं, मिटाऊं। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, सर q बराबर डेल्टा u प्लस w का डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखे, तो du सॉरी dq ना रे, तो dq इक्वल टू कितना du प्लस dw, तो dq कितना है nc dt, ये कितना है f by 2 n r t और प्लस n r t, अरे dt है ना, dt और प्लस n r dt, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। This is the first law of thermodynamics, ठीक। अब हम लोग आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पे। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए वो कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर मैटर के लिए, या तो प्लास्टिक के लिए जो रहेगा वैल्यू वो थ्रू आउट सब प्लास्टिक के लिए कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम आयरन की बात करें या कॉपर की बात करें तो उनका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा। कॉपर का एट अ टाइम किसी भी प्रोसेस में, चाहे आइसोथर्मिक आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे आइसोबेरिक प्रोसेस हो, चाहे आइसोबोरिक प्रोसेस हो, चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो, उसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाएगा बाय द वे ऑफ गिविंग हीट टू द सिस्टम। आप कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट अलग मिलेगा, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट अलग मिलेगा। तो हम लोग आइए देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या कैसे समझेंगे। बताऊं सब हेडिंग लिख ले इसको, डिफरेंट मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अब लिख एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर ऐसा लिख दो, एक लिखो स्टेटमेंट मोलर स्पेसिफिक हीट depends on the way of supplying heat to the system। सिस्टम को हम किस तरह से हीट दे रहे हैं उस हिसाब से आपको मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा। तो पहला मिलता है बेटा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलेगा आपको CV मिलेगा, ठीक है, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या मिलेगा CP मिलेगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एज कांस्टेंट प्रेशर इज CP। एंड CP एंड CV में किसी एक साइंटिस्ट ने रिलेशन बताए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर चलते हैं FLD पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था हमारे पास, सर dq इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv इक्वल टू जीरो, सो dw इक्वल टू जीरो।
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या लिखेंगे, एम सी डी टी, कौन सा सी लिखेंगे, सी वी इक्वल टू डी यू कितना होता है, एफ बाई टू एन आर डी टी और प्लस जीरो, डी टी ने डी टी को मारा, एन ने एन को मारा, तो सी वी इक्वल टू कितना, एफ बाई टू आर, इसको लिख लो एक जगह पे, बहुत बढ़िया, अच्छा है। आइए फिर हम लोग बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बहुत बढ़िया सर, कॉन्स्टेंट प्रेशर की हम लोग बात करते थे तो पी डी वी इक्वल टू कितना होता था, एन आर डी डी होता था, तो फ्रॉम एफ एल डी डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, अरे हाँ के ना बोल दो, तो डी क्यू कितना लिखेगा, एन सी डी टी, कौन सा सी, सी पी इक्वल टू एफ बाई टू एन आर, एन आर डी टी और प्लस एन आर डी टी, तो ये डी टी डी टी एन डी टी एन डी टी कैंसिल, तो सी पी इक्वल टू क्या मिला, एफ बाई टू आर और प्लस आर, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, सी सी वी है, ये हो जाएगा सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, बहुत बढ़िया, लिख इसको अच्छे से, तब बुरा राइटिंग आ रहा है मेरा, चलिए हमने देखा कि सर सी वी इक्वल टू एफ बाई टू आर एंड सी पी इक्वल टू एफ बाई टू आर प्लस आर, तो यहाँ कॉमन लेगा आर तो हो जाएगा एफ प्लस टू अपॉन टू, ये हो गया आपके पास, तो आपके पास मिला ये सी पी का वैल्यू और ये क्या मिला, ये सी वी का वैल्यू, सी पी और सी वी में रिलेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर है, चलिए अगर क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाए, मिटाऊं ये, क्वेश्चन एक, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज decreases to 400 joule while doing work 200 joule, find out heat supplied, ठीक, क्या बोल रहा है, उसका 400 joule energy कम हो जा रहा है जब वो 200 जूल वर्क करता है, तो हीट कितनी सप्लाई की है, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W, तो अगर डेल्टा U बराबर नेगेटिव होगा अगर ये डिक्रीज होगा, डेल्टा U बराबर पॉजिटिव होगा अगर ये इंक्रीज होगा, W आपके पास पॉजिटिव होगा अगर वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, डेल्टा V बढ़ा है, W बराबर नेगेटिव होगा अगर डेल्टा V क्या हुआ है, कम हुआ है, समझे, ये ध्यान रखना, ओके, एक्सपैंड होगा, एक और समझा लेते तुमको, अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, आपने आग लगाई हुई है, तो पिस्टन ऊपर गया है, तो एक्सपांसन हुआ है, तो वर्क डन बाय द गैस है, तो वर्क डन बाय द गैस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अगर आप पिस्टन को दबाएंगे तो वर्क डन ऑन द गैस है या ऑन द सिस्टम है, तो वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम कम हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस में आएगा, इसलिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा, वर्क डन ऑन द गैस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये ध्यान रखना है, जब इंटरनल एनर्जी आपका इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब इंटरनल एनर्जी आपका डिक्रीज होगा तो क्या लेंगे, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो नेगेटिव लेंगे, समझे, तो ध्यान, हालांकि न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तभी नेगेटिव नहीं, हर बार ही नेगेटिव लेंगे, तो इंटरनल एनर्जी जब आपका डिक्रीज हो रहा होगा तो ठीक, तो क्या मिला, Q बराबर आपके पास मिलेगा माइनस 400 और प्लस कितना 200, तो Q बराबर कितना हो जाएगा माइनस 200 जूल, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, समझे, गैस इज
confined in a vessel at 10^5 pascal. If 2 × 10^4 work heat, it is supplied to system volume is changes from 0.15 m³ to 0.25 m³. Find out work done and change in internal energy. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, एक गैस है, एक वेसल में सिलेंड्रिकल वेसल ले लीजिए जो 10^5 pascal पे गैस भरा हुआ है, अगर उसको हीट 2 × 10^4 joule हीट देते हैं तो जो वॉल्यूम है 0.15 m³ से 0.25 m³ हो जाता है, तो आपको वर्क डन निकालना है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। सर हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल PdV होता है, और V1 से कितना V2, तो कितना हो जाएगा P V2 माइनस V1 हो जाएगा। P कितना है 10^5, V2 कितना है 0.25, V1 कितना है 0.15, है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा 10^5 V2 कितना हो जाएगा 0.1, तो कितना होगा 10^4 जूल। आपके पास क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। ठीक है भाई, अब आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकाल देते हैं। तो डेल्टा आपके ये ऊपर लिखता हूँ ना बेटा, वो क्वेश्चन लिख लेना, तुम स्क्रीन लुका के तुम लिख लेना, ठीक है, लेकिन राइटिंग एकदम बराबर नहीं आ रहा, थोड़ी और सुधारनी पड़ेगी, है ना। तो Q बराबर कितना होता है डेल्टा U प्लस W, तो Q कितना दिया है 2 × 10^4 जूल, डेल्टा U प्लस W कितना है 10^4, 2 × 10^4 माइनस 10^4 बराबर डेल्टा U, तो जाएगा कितना 10^4 जूल इंटरनल एनर्जी दिया है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, जिसमें हीट पढ़ा हुआ है, वर्क डन पढ़ा हुआ है, इंटरनल एनर्जी में चेंज पढ़ा हुआ है, सीपी एंड सीवी में रिलेशन निकाले हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सीपी आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट है, सीवी क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट है, और सीवी इक्वल टू है F/2R है, और सीपी इक्वल टू कितना है F+2/2R है। आपके पास जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायएटॉमिक के लिए 5 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग ऐसे एनर्जी काउंट कर लेते हैं कि कहां-कहां पे एनर्जी मिल रही है, उस हिसाब से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको समझ नहीं आया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्पेशली मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पक्का से समझ लेना, नहीं तो आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आगे काम आएगा। ठीक।